मैं हूँ मोनिका। हमारे इस शो में हमारी कोशिश रहती है कि हम आपके साथ शेयर करें ऑथेंटिक रेसिपीज, और इसी कोशिश में इस बार हम आपको सिखाने वाले हैं एक इंडियन रीजनल किजीन। ये उस जगह की किजीन है जो कि हिस्टोरिकली और कल्चरली काफ़ी रिच रही है। कई राजा आए, कई राज्य बने यहाँ पे, और सभी राजा अपने पीछे छोड़ गए जायके और स्वाद। तो चलिए, कौन सी किजीन है, कौन सा रीजन है जिसकी हम बात कर रहे हैं, क्या क्या बनने वाला है वो सभी देखते हैं और इन जायकों का स्वाद लेते हैं। चलते हैं, मिलते हैं हमारे शेफ से। हमारे साथ यहाँ मौजूद है होटल रॉयल प्लाजा के एग्जीक्यूटिव शेफ, शेफ अतुल मिश्रा। हाय शेफ, हाउ आर यू? हेलो, आई एम फाइन, हाउ आर यू? बढ़िया शेफ। शेफ, कौन सी किजीन आप आज एक्सप्लोर करा रहे हैं या सिखा रहे हैं, क्या क्या डिशेज है, कुछ बताइए प्लीज। आज हम बनाएंगे बिहारी कुजीन का खाना। इसमें हम आज बनाएंगे बिहार का फेमस लिट्टी और चोखा। चलिए बढ़िया। तो बिहार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट है हमारे देश में, और उसकी कुजीन, उसका खाना जो है, उसे आज एक्सप्लोर करते हैं। हम शुरुआत करेंगे लिट्टी और चोखा से। तो चलिए, लिट्टी और चोखा बनाने के लिए हमें क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स चाहिए आप देख लीजिए, और उसके बाद हम बनाना शुरू करते हैं इसे। लिट्टी चोखा में लिट्टी बनाने के लिए हमें चाहिए 250 ग्राम आटा, 125 ग्राम देसी घी, 150 ग्राम चना सत्तू, 30 ग्राम लहसुन, 10 ग्राम अदरक, 15 ग्राम हरी मिर्च, 100 ग्राम हरा धनिया, 3 ग्राम अजवाइन, 25 मिलीलीटर सरसों का तेल, 1 नींबू का रस और नमक स्वाद के अनुसार। चोखा बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप उबले आलू, 1 कप कटा प्याज, 1 कप कटे टमाटर, 2 कटी हरी मिर्च, 20 ग्राम हरा धनिया, 2 बड़ी चम्मच सरसों का तेल और नमक स्वाद के अनुसार। लिट्टी बनाने के लिए हम सबसे पहले इसमें आटा लेंगे। जी। इस आटे में हम थोड़ा सा देसी घी डालते हैं, थोड़ा सा नमक डालेंगे इसमें हम। जी। उसको पहले हम बिना पानी डाले एक बार मिक्स कर लें। ओके। तो वैसे हमें आटा कैसा चाहिए, मतलब बहुत ही कड़ा चाहिए? नहीं, जैसे हम रोटी के लिए आटा मारते हैं वैसा आटा चाहिए। मोनिका जी, देखिए आटा हमारा उठ के तैयार हो गया जी। स्टफिंग बनाने के लिए ये हमारा बेसन का सत्तू है, चॉप गार्लिक, थोड़ा सा चॉप ग्रीन चिली जी, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया जी, थोड़ी सी अजवाइन, और इसको अच्छी तरह मिला लें। फिर उसके बाद में इसमें लास्ट में हम मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल डालें। तो ये सरसों के तेल से ही ये हमारी स्टफिंग सेमी ड्राई हो गई। अभी हमारी स्टफिंग तैयार हो गई है जी। हमने जो आटा गूंथ के रखा था इसको हम इक्वल पीसेस में काट लेते हैं अपनी साइज के हिसाब से। हम इसको पहले हम राउंड करेंगे, के अंदर इस तरीके से हम स्टफिंग करते हैं जी। इसको अब लेके हल्का से इसको राउंड करेंगे हम। इसी तरीके से हम सारी लिट्टियाँ इसी तरीके से भरेंगे हम, इनको हम प्लेट में रखते हैं जी। इसको बेकिंग के लिए बस करते हैं। हमारा ओवन ऑलरेडी पहले 180 से 200 डिग्री प्रीहीटेड है। ओके। इसमें इसको रखते हैं। कितनी देर तक इसको बेक करना है? इसको 15 से 20 मिनट। जब तक ये लिट्टी बेक होती है तब तक हम नेक्स्ट चीज़ बना लेते हैं, चोखा बनाते हैं। इनको बॉईल के आलू में देते हैं, इनको हम मैश करेंगे। अब हमारा मैश हो गया जी। इसमें अब हम ऐड करेंगे चॉप टमाटोज, इसमें शेफ ने टमाटर, प्याज और अदरक तीनों चीजें बारीक चॉप की हुई है वो इसमें ऐड कर दी। थोड़ा सा इसमें हम चॉप ग्रीन चिली भी डालेंगे जी। कच्चे लहसुन का मजा ओके चोखे में कुछ अलग ही अलग आता है। ऑलराइट, खूब सारा धनिया इसमें डल रहा है, इसमें भी थोड़ा सा हम। अच्छा, इसमें फिर से सरसों का तेल जो है इसमें डल रहा है। अब इसमें मैंने लास्ट में देखी जैसे थोड़ा सा नींबू का रस डाला है, और अभी हमारा चोखा ऑलमोस्ट बन के तैयार है। लिट्टी भी देखिए वो ऑलमोस्ट हो गई है। ये बाटी है, अब इसको हम हल्का सा बटर से टॉप कर देते हैं घी से। ये चोखा ये
लीजिए मोनिका जी, आपका लिट्टी और चोखा तैयार है। खाने मोनिका जी, इसको खाने का भी एक अलग तरीका है जी, बताएं। इसको हम स्पून से या उससे नहीं खाएंगे, इससे बाटी है, इसको हम हल्का सा पहले क्रैक करेंगे। ओके। अब उसके बाद इसको हम इस तरीके से चोखा इसके ऊपर ऐसे लगाते हैं, फिर हम इसको दांत से काट के खाएंगे। हाथ से वेरी नाइस, बिल्कुल भी फैट नहीं है और ऑयली नहीं है, जैसा कि आपने देखा है। बहुत थोड़ा सा तेल का इस्तेमाल किया है, जो ये स्टफिंग है इसके अंदर बहुत ही बढ़िया मस्टर्ड ऑयल का फ्लेवर आ रहा है। एंड जैसा मुझे लग रहा था कि चूहे में मस्टर्ड ऑयल जो है वो थोड़ा सा कच्चापन उसका फील होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स रियली नाइस, ट्राई दिस ऑथेंटिक खाने के अगर आप शौकीन हैं, वो भी इंडियन रीजनल खाने के, तो इसे ट्राई कीजिए। ये कैप आपके लिए है, ताकि कोई भी स्टेप मिस हो गया हो तो आप उसे नोट कर लें, और साथ ही आप इसके कैलोरी चार्ट पर भी नजर डालें। लिट्टी चोखा बनाने के लिए आटे में घी और नमक मिलाएं, पानी डालकर गूंद लें। चने के सत्तू में हरी मिर्च, हरा धनिया, अजवाइन, सरसों का तेल, अदरक और नमक मिलाकर स्टफिंग तैयार करें। गूथे हुए आटे के गोले बनाएं, इसमें सत्तू की तैयार स्टफिंग भर दें। इन्हें 180 डिग्री तापमान पर अवन में 15 से 20 मिनट पकाएं। एक बर्तन में उबला आलू लें, इसमें हरी मिर्च, प्याज, टमाटर, हरा धनिया, सरसों का तेल और नमक मिलाएं और चोखा तैयार करें। अवन में से पकी लिट्टी निकालें, इस पर घी डालें और चोखे के साथ परोसें।